सुराज संकल्प यात्रा के हिंदों के कार्यक्रम के अंदर आए हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश जी मेघवाल भाई साहब, राजस्थान सरकार के अंदर पूर्व मंत्री राजेंद्र जी राठौर भाई साहब, सुभाष जी मेहरिया भाई साहब, भवानी सिंह जी राजावंशी, अजयपाल सिंह जी, सतीश चंद्रे जी, अजयपाल सिंह जी, हमारे इंदारण का दोलिया जी और यहां पर बैठे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, बहनों, भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुराज संकल्प यात्रा जो वसुंधरा जी ने शुरू की है उसका प्रभाव आज यहां पे इंदौर के अंदर आएगा। पूरे राजस्थान के अंदर जहां जहां ये यात्रा करेंगे हजारों की तादाद के अंदर लोग वसुंधरा जी को ये विश्वास बनाने के लिए आ रहे हैं कि ये जो राजस्थान के अंदर जो कुशासन चल रहा है अशोक गहलोत का, राजस्थान की जनता इससे निजात पाना चाहती है और राजस्थान के अंदर सुराज लाकर इस कांग्रेस की सरकार को परिवर्तन करके आपके नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहती है। ये इस बात का संदेश है कि हिंदुओं के अंदर आप जो इतनी बड़ी तादाद के अंदर आए हो, मैं निश्चित तौर से मानता हूं कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी बनेगी। भाइयों और बहनों, आपको पता होगा कि राजस्थान के अंदर जब 4.5 साल को लेकर चुनावों में जा रहे थे तो राजस्थान के अभी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि अगर राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो राजस्थान की जनता की तकदीर और तस्वीर को बदल देंगे। मैं पूछना चाहता हूं अशोक गहलोत जी से, क्या बताइए कि आपने किसकी तकदीर और तस्वीर को बदला? आप किस चीज के संदेश यात्रा निकाल रहे हैं? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? राजस्थान के अंदर किसान परेशान है, राजस्थान में युवा परेशान है, राजस्थान में महिला भी परेशान है, राजस्थान का मुसलमान भी परेशान है। आपने कहा था कि आप तस्वीर और तस्वीर को बदलेंगे, 4.5 साल में आपने किसकी तस्वीर को बदला? जब हमारी सरकार थी, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थी, तो युवा जब कांग्रेस से प्रकट करता था तो उसको विश्वास होता था कि मैं जब पढ़ने निकलूंगा तो मेरी नौकरी सुनिश्चित होगी। लेकिन अब इस 4.5 साल के अंदर अशोक गहलोत जी ने 40,000 नौकरियां देखी, यह साबित कर दिया है कि ये जो सरकार है ये पूरी तरीके से निष्क्रिय सरकार है। भाइयों और बहनों, ये कांग्रेस के लोग देश के मुसलमानों को भी डराते हैं, कभी आरएसएस के नाम से डराते हैं, कभी बीजेपी के नाम से डराते हैं, कभी जनसंघ के नाम से डराते हैं और डरा डरा के 63 सालों से लगातार ये उस पुल के ऊपर हुकूमत करते आ रहे हैं। राजस्थान के अंदर भी 15 सालों को छोड़ने तो वसुंधरा जी की और बहरा जी की शिकायत की सरकार थी, उसके अलावा राजस्थान के अंदर जितनी लोगों ने सरकारें चलाई है, आज राजस्थान में और देश के अंदर जो अकलियतों की जो हालात है, देश के मुसलमानों की जो हालात है, कोई जिम्मेदार है उसके लिए? जिन लोगों ने इस मुद्दों पर हुकूमत की वो लोग इसके लिए जिम्मेदार है। संसद कमेटी और अंदाज कृषि की रिपोर्ट कहती है कि इस पुल के अंदर सबसे ज्यादा दुष्कृति के अवसर कोई कौन को है जिसके बाद न तालीम है, न रोजगार है, न तजारत है, वो देश का मुसलमान है। तो मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि कौन जिम्मेदार है इसके लिए? भारतीय जनता पार्टी की जो 6 साल की सरकार थी, जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, 15 साल तक हमारी राजस्थान में सरकार रही, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री बहरोत सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे जी रही, इसके अलावा तो कांग्रेस की सरकारें रही है। भाई और बहनों, क्या क्या है लोगों ने ये तो सिर्फ डरा डरा के हमारे वोट देते रहे और हमारे वोटों के दम पे मुद्दों पर हुकूमत करते रहे, इस पूरे राजस्थान के ऊपर हुकूमत करते रहे। लेकिन अब हमको समझना पड़ेगा, हमको अपने वोटों की ताकत को जानना पड़ेगा कि हमारे वोटों से जो लोग इस मुद्दों पर हुकूमत करते हैं, राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत की सरकार बनी तो मैं मानता हूं कि ज्यादा से ज्यादा देश के लोग राजस्थान के मुसलमानों ने अशोक गहलोत को वोट दिया। लेकिन अब हमको अपने वोट की ताकत को पहचानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, वसुंधरा जी ने जो काम किया राजस्थान के अंदर, वसुंधरा जी ने जो मदरसों के लिए काम किए, मदरसा वर्ग के चेयरमैन यहां पर बैठे हैं, मदरसों को कंप्यूटर से जोड़ा, मदरसों को मीडिया के लिए जोड़ा, राजस्थान राजाओं के लिए 5 बीघा जमीन थी, ये सारे काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। की भाई आपको पता होगा कि राजस्थान की जो जयपुर की जो
किसी ने खुला तो पैरों की छेका होती थे, जिन्होंने उस रास्ते को खिला के ये कैसे दिया। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे गुलाब जी का डायरी आ रहे भाइयों कहो, ये लोग हमको डरा हमारे वोट में कर रहे हैं, तो मैं आप देखना चाहूंगा कि अपने वोटों की ताकत को समझो। हमारे वोटों की जो ताकत है उसके तहत ये लोग हुकूमत करते हैं, तो मैं आपसे एक कहना चाहूंगा कि आप अपने वोट की ताकत को समझो। इस कांग्रेस के लोगों के बहकाव में नहीं आओ, ये हम सब जो गरीब गुलाम समझते हैं और ये हमको इसको भी अच्छी तरह समझते हैं। वोट के तहत वोट लिया और फिर फेंक दिया, तो आप लोग तय करें, पर कांग्रेस की बातों में नहीं आए। ये कांग्रेस बंद करके जो हजारों में लड़ाई करके और इलाज करती है, बस यही कहते हैं मैं आपकी बात को करती करता छह बार कहें बहुत खुश हूं।